द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्ष वज्रवक्त्रं चतुर्थकं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पितामह लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पितामह नवमं भालचंद्रं च नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पितामह देवा जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पितामह देवा माता जगति पार्वती पितामह देवा माता जगति पार्वती पितामह प्रियपति घूम हवा में है वेदों में घूम आता है स्थान स्थान पर यहाँ विद्वान बैठे हैं उसको इसका व्याकरण का अवश्य ज्ञान होगा। शरणाचार्य ने तो हमारे व्याकरण में दो मुख्य महापुरुष हो एक तो शरणाचार्य एक पाणिनि और भी महात्माओं ने काम किए बाकी शरणाचार्य का कहना वैसे घूम के लिए कोई विशेष अर्थ नहीं बताया जाता है लेकिन गणपति के इस मंत्र में घूम का दो अर्थ निकलता है प्रियानंतवा प्रियपति घूम हवा में। एक तो आपको जो चाहिए तो घूम का अर्थ शरणाचार्य करते हैं कि उसकी प्राप्ति कराएगा और दूसरी बार जब घूम आया है निधिनंतवा निधिपति घूम हवा में तो शरणाचार्य कहते हैं कि उसको स्थिर करते हैं बहुत लोग होते हैं जो रुपया कमाते बल्कि वो टिकता नहीं बराबर ना व्यापार में भी कमाता है नौकरी में भी कमाता है लेकिन कुछ है वो नहीं रहता। तो एक तो गणपति अंगूठी की साइज की तो यहाँ मॉरिशस में व्यवस्था है कि वो मैं नहीं जानता हूँ बल्कि अंगूठी की साइज की पन्ना की यदि आप गणपति को बनाओ और उसको दुर्वा चढ़ाओ नित्य दुर्वा तो तुम्हारा पैसा स्थिर हो जाएगा स्थिर होता है। और यहां ज्योतिषाचार्य भी बैठे होंगे मैं मानता हूं क्योंकि आज भी मेरे को किसी ने बताया कि ये लोग फलाना फलाना से ये करते हैं यहां ठीक है वो भी अच्छी बात हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो पैसे के स्थिर के लिए मंगलवार को कुछ मीठा बांटो टोफी होती है मीठी पता नहीं यहाँ कोई अच्छी मिठाई पेड़ा हो बर्फी हो गुलाब आई डोंट नो जो भी कुछ मीठा हो किसी को बच्चे को खिला दो थोड़ा या किसी को प्रसादी दे दो मीठा मंगलवार को तो पैसे जो है वो स्थिर हो जाएगा गणपति महाराज को याद किया है। और एक आशा का किरण भगवान ने स्वयं ने बताया अर्जुन को कहा कि अर्जुन मैं जानता हूं मानव जो है ना वो कदम कदम के ऊपर गलती करता है मैं पाप नहीं कहूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी वर्ड। आप किसी को कहो कि तू पापी है तो ये बुरा लगता है बाकी आप ये कहो कि तू पापी था तो वो अच्छा लगता है इसी सिर्फ टेंस में काल में बदल गया तो बहुत फर्क तू पापी है तो उसको बुरा लगता है बाकी आपको तू पापी था तो हाँ ये बराबर पापी था पापी है।
तो पाप बड़ा भारी शब्द है, मैं सिर्फ अपराध कहूंगा या भूल कहूंगा, लेकिन भूल जो करना ये सहजता है, भूल को स्वीकारना ये मानवता है, और भूल को सुधारना ये प्रगति है। इफ यू डू नॉट चेंज योर प्रेडिकमेंट, आज की जो अवस्था जैसी है और आपने उसको स्वीकार कर नहीं बदला, तो आपकी हालत कल भी वही की वही होगी। भागवत तो मैं बताऊंगा, इसके अलावा आपके जीवन के संबंधित बात यहां आ गई। इफ यू डू नॉट चेंज योर प्रेजेंट देन इट विल रिमेन। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी आज की हालत से एकदम खुशी है, नहीं एकदम बढ़िया है। हमारे भारत में तो किसी को पूछो कैसा चल रहा है, भाई दाल चावल भी मुश्किल से निकलती है, ऐसा मालपुआ खाता है बाकी बोलता है, खिचड़ी भी नहीं निकलती, एक आदत है मानो, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, वो रोता रहता। लेकिन आप इसको बदलोगे नहीं तो फिर कल भी यही कहानी आप सुनाओगे, ठीक है ना। तो गीताकार ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है, अर्जुन अपनी चेत से दुराचार, चाहे इंसान कैसा भी हो, कैसे भी घोर अपराध उन्हें क्यों ना किया हो, माम एकम क्षणम रज, मेरे एक क्षण में आ जावे तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरा के सब के सब कुछ नजरअंदाजा करने के लिए तैयार हूं। अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। तो ये एक एक जो लोग निराश हो गए, जो हार गए, जो थक गए और इधर उधर जो भटकने लगे कि यहां जाएंगे तो हमको मिल जाए, अरे यहां ही सब कुछ है, तुम्हें भागने की क्या जरूरत है। We do not condemn the sinner, we condemn the sin। जिस प्रकार से डॉक्टर जो है मरीज से नफरत नहीं करता, रोग से नफरत करता है, ठीक उसी तरह से हमें पापियों से कोई तकलीफ नहीं है, पाप की आदत से तकलीफ है, उसको हमें जैसे यहां मैं पिछले बार भी आया था तभी बात, आज भी बात करें, जो 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 ये दवाएं खा रहे हैं नौजवान लोग, अभी मॉरिशस में भी ये आ गया, तो ये नौजवान से हमें तकलीफ नहीं है, बाकी वो ड्रग्स जो ले रहे हैं उससे तकलीफ है हमें, हमें नौजवान से थोड़ी तकलीफ है, उसको तो बेचारे को सुधारना है, उसको तो मदद करनी है, उसको तो उसमें से बाहर निकालना है, और साथ में इट हैज टू बी कलेक्टिव। वो ये समझे कि उसके परिवार का लड़का बिगड़ गया है, बहुत जल्दी से ऐसे मत बोलना, कल तेरा बेटा भी हो सकता है। तो क्या है कि हमें सब साथ में मिलकर उसको मदद करनी चाहिए। तो हमें जो हमें तकलीफ, हमारी नफरत, हमारी दुश्मनी वो ड्रग के साथ है, वो लड़के के साथ नहीं है। तो भगवान भी यही कह रहे, तजी मद मोह कपट कपट चल याद रखो, यहां आप लोग पवित्र बनकर आने की जरूरत नहीं है, आप पवित्र होने के लिए आना। There is no prerequisite कि तुम ऐसे ही बनकर आओगे, तुम बढ़िया साड़ी पहनकर आओगे, बढ़िया पजामा कुर्ता पहनकर आओगे तभी एंट्री, ऐसा नहीं है, तुम जैसे भी हो। याद रखना, गंगा जी भी जो है ना वो आपके शरीर को साफ कर सकती है, पवित्र कर सकती है, आपके मन को स्वभाव को नहीं कर सकती। पाप शरीर नहीं करता, पाप तुम्हारा मन करता है। यहां क्या होता है, यहां हम शरीर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे मन के ऊपर करेंगे, तुम्हारे मन को पवित्र करना है। तुम्हारा शरीर तो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, वो सदा के लिए मेला है, सदा के लिए मेला, बाकी हाँ मन को पवित्र कर सके। तो ये जो है
प्रेम अवतार श्री कृष्ण जो है उसके क्षण में जाने से शांति मिलेगी। भगवान वेद ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है कि विश्राम स्थान एकम, जीव का विश्राम और आराम और शांति का स्थान क्या है, बोले ये भगवान श्री कृष्ण। और आज एक मंत्र आपको दे रहा हूं, आप रोज आने वाले हो तो ये मंत्र को मन में याद करना, क्योंकि यादृशी भावना तादृशी सिद्धे भवतु। सिद्धांत यह है कि वट एवर इज इन योर माइंड, आपके मन में जो भी विचार होगा वही आपको मिलेगा। आप जो सोचते हो ना वही होता है। जो आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं जो बोलते हैं, ये ऐसी बात करते हैं, कोई कुछ नहीं, हमारी हिंदी हमारी संस्कृत को इसने सिर्फ ट्रांसलेट कर अंग्रेजी में बोल दिया और कुछ बात नहीं है। यादृशी भावना तादृशी सिद्धि भवतु, जो मन में लाओगे जो भी आप करोगे वही आपको होने वाला है। तो एक मंत्र आपको दे रहा हूं, 9 दिन तक याद करना, बाद में जो भी मतलब कंटिन्यू रखो तो बहुत बच्चा है, कागज पेन नहीं लाए हैं, शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूं, और याद रखना श्री कृष्ण दर्शन लालसा, आपको याद रहेगा ये है? फिर से बोलो, श्री कृष्ण दर्शन लालसा। लालसा मीन्स मुझे लालच है, जैसे लोभी को पैसा चाहिए ना, लालच होती है। तो हमें लालच किसकी है, प्रभु तेरे दर्शन की, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तुम्हें जो कुछ मिला है ना वो आपके भाग्य को अधीन है, हमें नसीब को अधीन है, भाग्य में लिखा है तो वो तुम्हें मिलने ही वाला है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उसको कमाना पड़ेगा। आइए एक मिनट के मैं शुरू करूं, इसे मैं एक मिनट हरिनाम उच्चारण करता हूं। केशवा माधवा हे देवा Thank you.
हे देवा मधुसूदना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय होता है, ये इंट्रोडक्शन है महात्मा परिचय, जिसके साथ हम सब जोड़कर प्रेम की अपेक्षा रख रहे हैं, शांति की अपेक्षा, आराम और विराम जिससे मिलेगा। Who is this? ये कौन है? तो ये 6 अध्याय इसी के लिए, इसमें 3 मुख्य तो प्रकरण आता है, आध्यात्म प्रकरण, आदि देवी प्रकरण और आदि भौतिक प्रकरण। अध्यात्म प्रकरण में आएगा ये भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रसंग, आदिदेविक प्रसंग आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार और आदि भौतिक धुंधुकाली का उद्धार। इतनी बात इसी में आ जाती है। प्रारंभ में भगवान वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का अर्थ होता है जिसका आचरण मंगल है उसको याद करोगे तो आपका भी मंगल हो जाएगा। बार बार जो सोचते हो, सोचने का मतलब कंपनी, टू कीप द कंपनी ऑफ, संगति, तो जिसकी संगति करोगे तो उसका रंग आप में नहीं आएगा, बाकी ढंग तो आएगा जरूर। वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना, आप लोग तो लिखे पड़े, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाई आप कोई भी 5 आदमी का नाम लो जिसके साथ आप घूमते फिरते उठते बैठते हो तो मैं बता दूंगा कि आप कौन हो, क्योंकि संगति। विष्णु सहस्त्र नाम में शब्द मंगलाराम च मंगलम, मंगल का भी मंगल करने वाले हैं उसको याद करें। या तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 11वां मन ईश्वर तत्व में लगाना, उसको मंगलाचरण करते हैं। हमारे विप्रलोक प्रातः मध्यान्ह और सायं त्रिकाल संध्या करते हैं। आज की तारीख में टाइम नहीं होता इसलिए मध्याह्न को छोड़ देते, बाकी प्रातः और सायंकाल तो हम करते हैं। आप भी करो, संध्या पूजा न कर सके तो कम से कम दिन में 3 बार मंगलाचरण तो करो। सुबेरे स्नान कर पवित्र होकर और कुछ भले ना करे 5 बार नारायण 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 नारायण, आपका मंगलाचरण हो गया, आपकी संध्या पूजा होगी। मध्याह्न में और कुछ भी ना कर सके तो हाथ मुंह धोकर, कम से कम पैर को धोकर 5 बार नारायण 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 नारायण, आपकी मध्याह्न संध्या। सायंकाल ना सके तो अच्छी बात है, ना सके तो हाथ मुंह धोकर पैर को धोकर 5 बार नारायण 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 हो गया, इतना तो कर सकते भाई है। आज मेरे को कोई कह रहे थे, सज्जन जो मिलने आए थे, बोले आजकल लोगों को इस प्रकार के प्रोग्राम में जाने के लिए टाइम नहीं है, बाकी हाँ बोले शादी होगी, पार्टी होगी, बर्थडे पार्टी होगी तो वहां तो तुरंत जाएंगे, वहां जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी प्राथमिक जा रहा जो है, प्राथमिकता माने प्रायोरिटी, उसमें लिस्ट में गड़बड़ हो गई है भाई। सबको देह की पूजा करनी है, देव की पूजा नहीं करनी। देह माने ये शरीर, इसको अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पीना मिल जाए, बढ़िया पहनना मिल जाए, उसके लिए भाग दौड़ करोगे तो ये तो देह की पूजा हुई ना, ये देव की पूजा नहीं करनी। ये कलयुग होता है महाराज, और कुछ नहीं है। आपकी प्राथमिकता ही ना, प्रायोरिटी जो है
वो इसको हमने आप नीचे रख दिया, अब आप ऊपर आ गए, परमात्मा नीचे आ गए, रस ऊपर हो गया, रसेश्वर नीचे हो गया, बस इतना ही है। मंगलाचरण में भगवान को याद कर रहे हैं, पहले रूप परिचय, कैसे दिखते हैं, बोले सत चित और आनंद। प्रथम दो चीज के ऊपर मैं ज्यादा जोर ना दूं, टाइम मेरे पास नहीं, बाकी तीसरी बात जो आनंद की है ना, सुख नहीं है ये आनंद है। सुख क्षणिक होता है, आनंद शाश्वत है। सुख बाहर से आता है, आनंद भीतर है। सुख को आप खरीद सकते हो, आनंद को खरीद नहीं सकते। सुख टिकता नहीं, आनंद टिकता है। ये आनंद स्वरूप है, और जिसमें आनंद है वो आप देखो, आपके पास 100 रुपया हो तो आप 50 रुपया किसी को दे सकते हो, बाकी आपके जेब में 100 रुपया नहीं है तो आप 500 रुपया नहीं दे सकते। आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो आपको भी आनंद स्वरूप बना देगा। वो स्वयं आनंद के सागर, अनलिमिटेड, तो वो आपको कर सकता है। हमें दुनिया में से जितना भी सुख भी मिला हो, मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन ये उधार है। इट इज बोरोड हैप्पीनेस, इट इज नॉट योर्स। आप लोग समोसा खाते हो यहां है? खाते हो ना? समोसा और हरी चटनी के साथ खाने से जो मजा आपको, आपको मजा आती है क्या है? कोई हाँ तो बोलो भाई। समोसा खाने से आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रही है, सुख आ रही है, तो वो आपका नहीं है, समोसा का है। इट इज बोरोड हैप्पीनेस। अच्छे कपड़े लेडीज लोग देखो, बहुत सुंदर कपड़े पहनकर आई है, तो बहुत बढ़िया दिखती है, बहुत लक्ष्मी जी जैसी दिखती है। तो भाई ये तुम नहीं हो, ये साड़ी है, ये साड़ी है। BMW में बिठा कर हमको लिया है, अच्छा एयर कंडीशन चल रहा था, बड़ी मजा आई हो भाई। तो ये मेरा नहीं है, ये BMW का बोरोड है। ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशी, जो है सागर है, अनलिमिटेड है, सिंधु सुख राशी। छुटकारा नहीं, देवताओं भी नहीं बन सकते, वो उनको भी यही पीड़ा होती है। लेकिन उसकी शरण में कोई जो आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के पास जाए, तो परमात्मा आपको इस पीड़ा से दूर कर दे। वही परमात्मा श्री कृष्ण को वयम याने बहुवचन, संस्कृत का बहुवचन है, हम सब साथ में मिलकर भगवान को प्रणाम नमन करते हैं। एक तो भगवान के पास जाकर प्रवचन न करो, और एक गुरु के पास जाकर प्रवचन न करो। दो जगह पर प्रवचन नहीं होता, वहां क्या करना है, आधे जोड़ कर खड़े रह जाओ, उसको सब पता है, उसको सब पता है। आप नहीं बताओगे तो भी वो जानता है। श्री कृष्णाय वयम नमः, हे प्रभु हम आपको नमन करते हैं, आपको याद करते हैं,
शास्त्र कहते हैं हरि स्मृति सर्व विपदा विमोक्षण। प्रभु को याद करने से सारी विपदा, विपदा मतलब दुख कष्ट पीड़ा पेन वो सब जाएगी। यहां कोई बैठे है जिसके जीवन में कभी दुख आया है? अच्छा, किसी के जीवन में दुख नहीं है, बराबर है। आप सब सुखी 100% पूरी जिंदगी सुखी? यस। अच्छा अच्छा ठीक है, चार बात है बताता हूं आपको इसके बारे में, गौर से सुनो। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू डिस्कस योर अनहैप्पीनेस योर पेन यू हैव टू पे, वो बिल्कुल गलत है। दुख की चर्चा करने से, दुख की चर्चा करने से दुख दुगुना हो जाता है, दुख दुगुना हो जाता है, यू मल्टीप्लाई। पहले तो इसीलिए दुख की चर्चा ना करो, तुम्हारा कुछ भी दुख हो तो उसकी चर्चा ना करो। दूसरी बात, दुख को याद करने से दुख जिंदा रहता है। इफ यू वॉटर द प्लांट इट विल ग्रो, और पानी पिलाना बंद कर दो तो धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाएगा। दुख को याद करने से दुख जिंदा रहता है। मगनलाल बेटा है, 10 साल पहले उसका टांग की हड्डी टूट गई थी ना, है ना, प्लास्टर लगाना पड़ा, 2-3 महीने तक प्लास्टर में रहा, फिर मलम पट्टी करनी पड़ी, फिजियोथेरेपी करी, बहुत तकलीफ, 10 साल पहले हुआ था। अरे 10 साल पहले हुआ था तो क्यों याद कर रहा है आज, इसका क्या मतलब है? उसको भूल जाओ। एक तो दुख की चर्चा ना करो, इससे दुगुना हो जाएगा। दुख को याद करने से वो जिंदा रहता है। और तीसरी बात, जब दुख आ रहे तो खोजो कि ये आया कहां से। ये बुद्ध का धम्म पद है, उसका कारण खोजो। आप लोग क्या करते हो, सरदर्द होता है ना तो पैरासीटामोल ले लेते हो, बराबर ना, होगा कोई ना कोई लोकल नाम होगा इसका, पैरासीटामोल का पेन किलर, तो एक दो गोली खा ली तो सरदर्द ठीक हो गया। 2 हफ्ते के बाद फिर से होगा। आयुर्वेद क्या कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारा दर्द का इलाज तो करेंगे, बाकी ये दर्द आया कहां से वो मूल में से निकालना है। गोली मत लो, तुम खोजो कि ये दुख का कारण क्या है, और दुख का कारण 99% तुम ही हो और कोई नहीं है मेरे भाई। गीताकार ने क्या मंत्र बता दिया कि हे अर्जुन, ये आत्मा जो है ना, तुम खुद, तुम तुम्हारे दुश्मन भी हो, तुम तुम्हारे मित्र भी हो। आज मैंने एक बहनी को बताया था, लाइफ, जिंदगी जो है ना, जिंदगी, लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ इज नथिंग बट द चॉइसेस यू हैव मेड। जो तुमने जो चयन किया है वही आपकी जिंदगी है। आपने दुख का चयन किया तो तुम दुखी हो, और तुमने सुख का चयन किया तो तुम सुखी हो। ग्रीस में सिसिलियो जो हो गया, उसने एक बात ये बताई कि द मैन इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इवेंट्स दैट हैपन, बट ही इज डिस्टर्ब्ड बाय हाउ ही परसीव्स द इवेंट्स। घटना जो घटती है इससे तुम नहीं दुखी हो, बाकी तुमने वो घटना को कैसे देखी है इससे तुम दुखी हो। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि घर में जब कोई बहू आवे ना तो कोई बहू बुरी नहीं होती, बाकी बुढ़िया जो होती ना सास को, उसको बुरी लगती, ये बराबर लड़की नहीं आई घर में। अब तक तो सब बराबर था, बाकी जब से ये आई ना तब से सब घर में उथल पुथल होने लगा भी है, सब बराबर नहीं है। बहू तो ठीक है, बुढ़िया तेरी खोपड़ी बिगड़ गई है। बहू तो बिल्कुल बराबर है, इट इज हाउ यू परसीव, तुमने उसको कैसे दर्शन किया है। सिसिलियो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं उसने, पर बात सही है। तो दुख को खोजो। और चौथी बात, जब आपने पता कर लिया कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं तो फिर इसका इलाज करो, इसका इलाज करो। और मलम पट्टी में मैं नहीं मानता हूं, मलम पट्टी जब जख्म पर लगाते हो ना तो दोबारा वो जख्म खुल सकता है,
मैं ऑपरेशन में मानता हूं, इसको सीधा काटो, ऑपरेशन करना, खत्म इसको करो। सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान हरि को याद करो तो तुम्हारी विपदा, तुम्हारा दुख जो है, तो इसमें क्या होता है, दुख का नाश नहीं होता, दुख की विस्मृति, टू फॉरगेट योर पेन, दैट इज हैप्पीनेस। बस दुख का नाश नहीं होगा, वो तो भोगतना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जिंदगी में आया है। लेकिन आप बोल सकते हो कैसे, हरि का नाम लेने से। इसी के बाद तो जो कथिता है उसको याद किया वेदव्यास जी ने, जो सुनाने वाले भागवत जो सुनाएगा गुरु महाराज को याद करते हैं। यम प्रोरजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विने तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को याद किया है, यम प्रोरजन अपेत कृत्यम, जिसके जीवन में 16 आनी वैराग्य 100% रिनाउंसिएशन जिसके जीवन में है, देह को वो समझ ही नहीं सकता, ही इज बियॉन्ड द बॉडी फॉर्म, उसको कोई पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझता ही नहीं क्या चीज है, वो सब में परमात्मा देखते हैं। गीताकार ने ज्ञान का फ्रूट बताया, ज्ञान का फल क्या है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ नॉलेज। भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई कि हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनाम जायते, फल क्या है, बोले वासुदेव सर्वम इति, ये जगत को ब्रह्ममय देखना, ये ज्ञान का फल है। बस हमारे गोस्वामी जी ने कहा ना कि सी राम में समझ ले जानी, ये ज्ञान का फल है। और ज्ञान का उद्देश्य आपको निर्भय करना है, फियरलेस, जिसको ज्ञान, ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि माइक्रोफोन के ऊपर प्रवचन करे, माइक्रोफोन पर तो वो मंत्री भी बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है। पता नहीं कोई आएगा, एक दो मंत्री आएगा, ये भी प्रवचन करेगा यहां, तो दैट डज नॉट मीन ही इज नॉलेजेबल। ज्ञान एक तो सब दुनिया हर जगह कण कण में राम का दर्शन करता है, और दूसरा ही फियरलेस, यानी पांच जो मैंने भाई दिखाया था इससे ऊपर उठा हुआ है, मृत्यु से भी जो डरता नहीं, ये ज्ञानी है। ऐसे ही है सुखदेव जी महाराज, हम